हाथ में निडल लगी है। हम आ रहे हैं सस्ती नावर रात में, जय देवा लग रही है, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। जय चंदई अपनी हंसनी। महादेव मंदिर, यहाँ पे हजार मंदिर हैं। बम बम कांवर भर के लेके आए तुम लोग। ये मेन मंदिर, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है हमारी, दिक्कतें हैं। ये देखो हाथ में निडल लगी है, कल एक बोतल लग के आई, परसों भी दवाई लेके आई लेकिन आराम नहीं मिलो, तो कल बोतल लगवाई, आज फिर लगी है बोतल, तब चले बोतल लगवा के खेले। और आज है इतवार और कल है सोमवार, तो कल सोमवार को मतलब 12 बजे रात में ही 12-1 बजे हम निकले यहाँ से, तो हम जाएंगे सस्ती नावर। सस्ती नावर से कितने लोग हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो हम आ रहे हैं सस्ती नावर रात में, बिकॉज दिन में दर्शन करने में दिक्कत हो जाए, हमें बहुत सारे लोग मिल जाते तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो रात में जाए बाबा के दर्शन कर ली 12 बजे के बाद अपनी कार पे। तो ब्लॉग में बनी रहो लास्ट तक, आपको दिखाएं, ठीक है। 101 मंदिर है सस्ती नावर, हम 5 साल भी गए थे तब ब्लॉग बनाओ, 23 भी गए थे, ठीक है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर आए हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखो रंजना के फंगे, फोटो फूट चल रही है। कहाँ से आए हो, ब्लॉग बना रहे हो? बना लेते ब्लॉग, क्यूट हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका तिवारी। कहाँ से आए हो? इटावा। फिर इतने सारे भी फैमिली आई है पूरी। और एक बात जाए, देखो एक ही बैग पे आए हैं ये 5 लोग, लेकिन ये गलत है, इसकी है एक मिठाई का डिब्बा भी आया हुआ है। जी वीडियो देखते हो आप? हाँ बिल्कुल, याद है बिल्कुल बराबर, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। हमें सबसे अच्छी आपकी वीडियो शादी वाली लगी है, आपने एक शादी बनाई थी, शादी फोटो शूट वगैरह कराने, फिर हम जाएं बोतल लगवाए चले। और थोड़ा हमें पता है दिक्कत है, खांसी जुकाम और जी पक गए गलो मेरे, तो सही हो जाए, आवाज भी नहीं निकल रही है। प्यार बनाओ यार, लाइक करो, अगर ब्लॉग को देखो लास्ट तक, बताओ कहाँ चाहिए, हम नई नई कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने की। जेफे अफाना फिर बेफी ब्लॉगिंग शॉर्ट ब्लॉगिंग सब कर ही रहे हैं, बस आप प्यार बनाए रखो। और देखे हम गदर मूवी देखने और जेफे कहते हैं, तो आप लोग बताओ जिन जिन ने देख ली है कैफी है मूवी, देखा नहीं है आप ब्लॉग देखो तो पता लगे, ठीक है। लो बांट दे, लो तुम लोग ले लो, ले लो खा लो आप लोग, और ले लो लो बाबू, ले लो यार खा लो, गांधी जी ले खा लो या मिठाई। इन पे देख रहे हैं पबजी चल रहा है और इन पे लूडो चल रहा है, उधार कर ले रे। गांधी जी को मैनेजमेंट को काम दे जा रहा है, देखे कर लें जी, कर पाए कि नहीं कर पाए, एक दो दिन तो है करते नहीं, अब थोड़ा और काम दो जाएगा, तो काम अब रेगुलर हो गया है और वीडियो का शूट भी जल्दी लगे, आप टेम्पर मत लो, बढ़िया सी वीडियो है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने हमें सारी फेस करने पड़ी है, हमें फारी कर रहे हैं, दिक्कतें होती हैं जिंदगी है, तो हमें लाइफ में दिक्कतें तो आनी है, अगर प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में तो फिर लाइफ नहीं है तुम्हारी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम देते भगवान हमें, पता नहीं, एक प्रॉब्लम जा नहीं पाते दूसरी तैयार खड़ी होते हैं, दूसरी जा नहीं पाते तीसरी तैयार खड़ी, तो दिक्कतें भाई है हमें मानते, लेकिन हम हार मानने वाले ना है। आई कैन डू इट एवरी थिंग, समझ रहे हो मैं क्या कह रहे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी, जो हमारा घमंड ना है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो, तो टेंशन मत लो, वीडियो धुआंधार धमाकेदार आएगी, सूट लगाने वाले हैं हम जल्दी से, ठीक है। आप लोग बने रहो हमारे साथ, एफी जुड़े रहो ब्लॉग पे इंस्टाग्राम पे और हमारे चैनल पे। और जो कुश्ती वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, 10 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो अभी हम चल रहे हैं दवाई लेने के लिए, बने रहो ब्लॉग में लास्ट तक। सो गाइस कृथुआ आ गए हैं और हमारी गाड़ी पंचर होगी शायद कल, अभी आपको दिखा रहे हैं अगले वाले टायर ड्राइवर साइड, आगे देख रहे हैं यहाँ पे पंचर लग जाते हैं, लगवा ले जो देखो है, हवा कम है कि पंचर है पता ना है, पंचर हुई हाँ टीला से, नहीं पंचर नहीं आ रहा भैया डाल दे यार हवा, तो ये भैया बता रहे हैं कि ट्यूबलेस से कोई दिक्कत ना है, हवा लगवा ले पंचर मत लगवा, 30 है ले बहुत कितनी है। सो गाइस फिलहाल तो हवा भरवा ली है, अब फिर निकलते हैं कि हवा तो फिर पिंचर लगवाया नहीं, ठीक है। तो चल रहे अब डॉक्टर साहब की दुकान पे, पहले बोतल लगवाया चले। सो गाइस आ गए हैं करेल, डॉक्टर साहब की दुकान पे चल रहे गाइस, यहाँ पे हम लोग आए थे तो हम आओ दवाई लेवे कल, तो मेरे पे बोतल लग गई है, तुम दिखा रहे हैं ये देखो लटक रही बोतल, जदेवा लग रही बोतल। सो गाइस प्रॉपर तरीके से बीमार पड़ गए हम, फोजरे फही हो जाए, खांसी हो रही, कफ बन रही, बोतल लगवा रही है, लग जाए बोतल तब घर चले हैं, और देखे रात को निकले बप्पी नावर। सो गाइस 4:41 हो गई, अराउंड बोतल कम से कम 2 घंटे में लगवाई है, बोतल पूरी लग गई है मेरे, और कुल देर भी लगे लेकिन फ्री फ्राई कोई दिक्कत नहीं भैया, 2 घंटे तक आराम थे, हम तो सोए गए थे। जी हमारे को सब्सक्राइबर आए, मतलब ये भी टीचर है, इनकी कोचिंग वगैरह है, तो जगने पड़ो हमें, अब बताओ कौन भी
ठीक है भैया। जो अकेडमी बता रहे हैं जिन लोगों को आईडी फल लेने हैं वो ले फकता जाएंगे, तब घर पे चलेंगे फुल टाइम हो गए। और देखें तबीयत सही रही है तो आज रात को निकले हैं हम 12 या 1 बजे सफाई नगर जाइए जरूर भोले बाबा के पास, क्योंकि सोमवार है, सोमवार निकल रहे हैं फिर मतलब तो है ना कुछ ठीक है। सो गाइस दवाई वगैरह ले लिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम आए करथुआ, यहाँ पे अंडा खाए हैं, उसके बाद चले हैं चाउमीन यहाँ पे बन रही है, अंडा फ्राई हुए हैं फिर खाए हैं। तो गाइस चाउमीन आ गई है जो खा लें जल्दी से। सो गाइस घर पे आ गए हैं और सब्सक्राइबर कुछ हमारे वेट कर रहे थे, जो कुछ सब्सक्राइबर है कहाँ से आए आप लोग? जसमंत नगर से। वीडियो अच्छी लगती है? एक चीज है जो कोई मिलवे के लिए आते ना तो लोग चाहते हैं कि हम इनकी एक छोटी सी क्लिप बना दें वीडियो ब्लॉग में या रील, तो इन लोगों को थोड़े अच्छा लगता है, खुशी मिलता है कि हाँ हम वह वीडियो में आए हैं, ताकि वजह से हम ले लेते हैं कोई भी आए। आप लोग जो मत कहियो कि हम जानबूझ के लेते हैं इन लोगों को, मतलब वो लोग बोलते हैं भैया वीडियो नहीं बना रहे रील में, तो बना लेते हैं बिकॉज उनको अच्छा लगता है। अब जैसे तुम आओ हमसे मिलने तो तुम्हारी वीडियो हम बनाए तो तुम दिखाए फकाओ, तो जी चीज होता है एक समझ रहे हो वीडियो में, ताकि जैसे लेते हैं। अब जब मतलब ले लेते हैं मैं तो अपने पूरा जैसे चीज होते हैं वो चीज दिखाते हैं अपनों अपने ऊपर, जितना रूटीन होता है उस दिन में क्या कर रहे कहाँ जा रहे कहाँ घूम रहे। सो गाइस अभी समय हो रहा है 1:20, अभी हम जाने वाले हैं सस्ई नावर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज सोमवार लग गए है बिकॉज 12 बजे के बाद सोमवार ही लग जाता है, तो रात को इसलिए जा रहे हैं बिकॉज भीड़ नहीं मिले। सुबह बहुत भयंकर भीड़ होते है वहाँ पे, हम 2 बार गए हैं, ब्लॉग भी 2 बार बनाए, बहुत भयंकर भीड़ होते है, दर्शन नहीं हो पाए हैं, ताकि मुझे रात को जा रहे हैं। अपनी कार भी है, कोई दिक्कत नहीं आराम से। और हमारे साथ जाने वाले हैं गांधी जी ब्लॉगर और सचिन और जे अनुज और बड़े भैया और अपनी चुटिया सत्यम जय है। तो क्या लोग हम लोग 4, 5, 6 लोग जा रहे हैं, हमारे हाथ में निडल लगी थी हमने निकाल दी है, भोले बाबा के दर्शन करके जा रहे हैं, ताकि बजाय फिर पापा निकाल दी निडल, कोई दिक्कत नहीं भैया, कल बोतल लगे तो कल फिर निडल दूसरी लगवा ली, बाबा के दर्शन जरूरी है बिकॉज सोमवार निकल गए तो फिर नहीं हो पाएगा, तो आज दर्शन करे हैं फिर एक दिन में शूट स्टार्ट कर दे अपना। अब मेहनत करें जल्दी जल्दी वीडियो लाए हैं, थोड़ी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम जो भगवान ने मुझे दी थी वो हमारे साथ अभी भी चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को मैंने पहले ही बोल रखी है तू प्रॉब्लम दे मैं सॉल्व करें, टेंशन मन ले कोई ना, चलो चलते हैं लेट्स गो, फत्तेम नाय ले ऐसे चल रहे हैं। सो गाइस फत्तेम तैयार हो गया है, तो अब चल रहे हैं, गाड़ी नीचे उतारे और निकलते हैं जल्दी, और टाइम भी 1:30 बजे हो गए, 1 घंटा तो आधा घंटा तो लगेगा कम से कम, चलते हैं लेट्स गो। ये अपनी रानी खड़ी है, जय भी जाएंगे, थोड़ी हवा कम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं सुबह दिखाएंगे। तो जय चंदे अपनी हंसनी रानी शिवम कर रहा ड्राइव। सो गाइस अभी जा रहे तो गाड़ी निकाल रही है, और जो देखो हमने एक रख लिया है दिखाओ अनुज को ली, तो जो गाड़ी साफ करे भी कितने रुपए लिए? फ्री गाड़ी है तो फ्री फर पे खाओ चाहिए तो बताइयो, ऐसी कोई बात नहीं भैया पहुंचे। ये देख रहे जो गाड़ी पे धब्बा लग गए हैं, तो जब जो पानी भर हो जाता है ना पानी खत्म हो तो हम सोच रहे डाल नहीं पानी पूरा गाड़ी भर लिया, फिर जो को फैले है तो कर लेने का। अब और एक एक ही टेम्पू नीचे रहे बोतल भर लिया, चलो जी भाई और भले एक और एक और भले भैया। गाय आए गए हैं सस्ई नावर, भीड़ है बहुत ज्यादा, कांवड़ वाले सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर लोकल के लोग ना आए तो चल रहे दर्शन कर लें फिर साथ ले गए। सो गाय जे है जो हमारे सस्ई नावर वाले महाराज हैं, भोले बाबा का मंदिर, और यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ लिखी है श्री हजारी महादेव मंदिर, यहाँ पे 1000 मंदिर है सस्ई नावर में, तो यहाँ पे प्रसाद तो मिलने रहो, प्रसाद अब वापस चलने पर वहाँ पे प्रसाद ली हाथ पैर धोके सब चढ़ाए दर्शन करे ठीक है जी। देखो कांवर आई है, दादाजी कहाँ पे लेके आयो, कांवर कहाँ पे लेके आयो? ये डाल दियो जो प्रसाद अच्छा बना रही हो। सो गाय 10 रुपया प्रसाद ले लो, दे भैया लौट के दे रहे कांवर भर के लेके आए तुम लोग कहाँ से? भैया सिंगीरामपुर से आए हैं। सिंगीरामपुर से कितनी देर में भैया यहाँ पर चढ़ा दी तुमने? 3 घंटे नॉन स्टॉप 3 घंटे में? 3 घंटे यार भैया यार बहुत बड़ी बात है यार, कांवर भर आपकी दुआ रहेगी तो। अरे नहीं भगवान की दुआ होते भैया, हमारी क्या दुआ है, आपकी दुआ रहेगी तो जल्दी वो चढ़ेगी। चलो ये नहीं दर्शन कर आए हैं भैया, नहीं थोड़ी फोटो खिंचा ले यार भाई साहब, ले फोटो ले तो। जय बोले की, जय बोले की, जय बोले। भागने भाई आ रही है, साइड में साइड में साइड में साइड में ये मेन मंदिर भोले बाबा को, यहाँ पे 101 मंदिर है,
तो भैया हम आए थे फरफई नावर, तो ये हजारिया महादेव का मंदिर है, तो यहाँ पे 1000 शिवलिंग है समथिंग, वो नहीं पता कितनी है, बट बता दें यहाँ पे सारे शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पे, तो बहुत सारी शिवलिंग दर्शन कर, दोनों तरफ ही देखो अभी छोटे छोटे अभी शिवलिंग बनी हुई है पूरी। और यहाँ पे कावड़ लेके आते हैं बहुत सारे भक्तगण, गंगा जी से भर भर के लेके आते हैं पैदल, आज सोमवार है तो यहाँ पे बहुत सारे कावड़ लेके आए हैं। चलो अब चलते हैं आपको दिखाते हैं वैसे, ठीक है, दर्शन तो कर रहे हैं और जो शिवलिंग उनके भी दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस दर्शन कर रहे हैं तो ये मंदिर तो मेन, तो यहाँ पे कितने सारे कावड़ जो लेके आए हैं भक्त वो है। कावड़ भर के लेके आए तुम? भैया कावड़ लेके आए तुम कहाँ पे? सिंगीरामपुर पे। पैदल आए? पैदल। कितनी देर में आए थे यहाँ पे? तीन घंटा 10 मिनट पैदल। बड़ी बात है तुम भर के ले आए, हम पे तो नहीं होता जी। थके तो नहीं हो? थक गए का? नहीं। चलो जय बोलेगी, जय बोलेगी। सो गाइस दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा के, हजारिया महादेव के, तो अब चल रहे वापस, भीड़ बिल्कुल नहीं है। जो कांवड़ भर के लेके आते हैं तो वे ही लोग यहाँ पे मिले हैं, बेफी भीड़ नहीं मिली है, तो बेफी भीड़ है बस सुबह हुई है बहुत भयंकर वाली, पूरी रोड भरी मिली है तुम्हें, पूरी लाइन, मंदिर में भी जगह नहीं मिली है दर्शन करने की, बिकॉज हम आए थे 2021 में बहुत भीड़ थी, ताकि वजह से हम रात में ही आते हैं, पारफाल भी रात में आए थे, फाल भी रात में आए, भीड़ बढ़ने लगी है। तो भैया यहाँ पे फरफई नावर में मेला और लगा था, लेकिन मेला में बंद है, दुकानें देखो इधर पूरी देखो बंद नहीं हो रहे, तो दिन में ये दुकानें सारी खुल रही और बहुत भीड़ होते है, भयंकर भीड़ हो गया सोमवार है, और सावन के सोमवार में तो अंधाधुंध भीड़ होते है, तो हम ताई वजह रात में आए, दिन में आज दिक्कत होती, यहाँ पे अभी भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो दिन में तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, तो भोले बाबा के सही सलामत दर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो हमने घूम लिया, हमें कुछ खाए पीने चाय वगैरह पीने, फिर यहाँ पे निकले हम लोग घर के लिए, ठीक है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, लाइक कर दो भोले बाबा के ने फटाफट। क्या रुपए थे जलेबी? तो इनसे ले रहे जलेबी, ले रहे बड़े भैया के, तुम ही खाए हो जलेबी, हम तो गोलगप्पे खाए हैं, गोलगप्पे तो गोलगप्पे तो 80 रुपए मिली है, आधा किलो ले लेंगे। तो गाइस गरम गरम जलेबी खा रही है, भैया ने तो खा चुके, बड़े भैया के मैं नहीं, बड़े भैया खाया ठोर एक ठिकाने बैठ गए 1 किलो जलेबी। तो गाइस इन पे खा रहे टिक्की, जन भैया की टिक्की बनवाए रहे, अब देखे अच्छी लगी तो और बनवाए, नहीं तो फिर दो ही बनवाए रहे। सो गाइस दर्पण कर रहे हैं, खाए पी लो है जिनने, हम तो एक चाय और पिए, तो अपनी कार जहाँ खड़ी है तो जहाँ उठाए चले। अब कहाँ रहते हो? तो भैया भोले बाबा के दर्शन कर आए हैं और भीड़ बहुत ज्यादा उमड़न लगी है अभी से, उस समय होगा आपको दिखा दे, ये देखो 4 बज गए, 4:01 हमने दर्शन कर लाए और मेला भी घूम लो, मेला बंद है तो लेकिन घूम लो, जलेबी खाएं, गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, चाय पी। तो अभी हमने पानी की बोतल मंगाई, तो राजीव भैया और फत्तिम को बोतल ले गए और 1 किलो केला मंगाए, तो खाली भूख नहीं लगे और जाएंगे यहाँ पे सो जाए, 1 घंटा तो लग जाएगा नॉर्मल, तो 5 बजे पहुंचे सुबह। सो काफी देख रहे हैं सामने जो भाग के कांवड़ ले जाता है, भाई कांवड़ बंद कर ले यार फोन बचना, ये देखो लेके भाग रहे हैं, आगे बैग चल रही है अभी जी भागे, फिर आगे वो लड़का उतर गया तो वो पकड़ लिए, इतनी सारी लोग मेहनत करते हैं। तो गाइस गाड़ी रोक लिया काय के लाए, अब हमने बनाए रीले रीले तास, गाड़ी रोक लिया चलो उतरो। सो गाइस अभी हमने कार लगा दी अपने आगरा टू नखलाऊ वे एक्सप्रेस वे पे, इन पे देखो 4x4 चालू करके लगाई दी है, सारी टीम चल रहे हैं यहाँ पे, एक दो रील बना लेना, तो अवलिया मंडी है वहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है होटल, वहाँ रोके हैं, देखें चाय पिए जो कुछ करें वो, ठीक है। और एक चीज और है खास बात, जाएगा ना बड़े भैया फफरा रहे कौन फुका, यहाँ पे हम देखो जो गाड़ी सफाई वाले संगे रखाते हैं, देखो आई भी साफ करने लगो,
भाई लगी अपने मन से ही तो गाड़ी अब बढ़ाई है तो संडा करके गए थे बड़े भैया और फचना तो जिन लोगों ने कर ली है अब चलिए सीधे घर पे। चलो मिलते हैं घर पे ठीक है लेट्स गो। सो गाइस घर पे आ गए हैं, समय हो गया 5:30 बज गए तो दर्शन कर आए बाबा की, कार को घुमाए ले आए बाबा के पास। तो ब्लॉग पसंद आओ तो ब्लॉग कर दो लाइक, मेरे चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, प्यार मोहब्बत ऐसी बनाए रखो, कभी हेट मत करियो, कोई गलती हो तो माफ कर दिया करो और हाँ थैंक यू लव यू पुच्ची।